हे दोस्तों, तोहफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट ग्राउजिंग पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में। एक फिल्म आई है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। इस फिल्म ने सिर्फ ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर ही 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। पाकिस्तानी सिनेमा में अभी तक कुछ गिनी चुनी फिल्में ही 50 करोड़ का कलेक्शन कर पाई हैं। ऐसे में अगर कोई फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करे तो ये काफी बड़ी बात है। अब देखो, अपने यहाँ 100 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। हर साल कितनी इंडियन फिल्में 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन करती हैं? इसी साल अभी तक करीब 30 फिल्मों ने 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई की है, तो अपने यहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सिनेमा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी फिल्म ने 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई की है। वैसे ये यहाँ का 100 करोड़ नहीं है, ये वहाँ का 100 करोड़ है, क्योंकि यहाँ का 100 करोड़ पाकिस्तान का लगभग 270 करोड़ होगा। तो आज हम हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्मों में जिन पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में बात करेंगे वो पाकिस्तानी रुपीज में होगा, ना कि इंडियन रुपीज में। मैदान जित सिर झुका के माफी मंगना ले दी नहीं, सिर उठा के खजाना ले दी हमने। नंबर 5, तीफा इन ट्रबल। अली जफर को तो आप सब जानते ही होंगे। अली जफर ने करीब 7 हिंदी फिल्मों में काम किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अली जफर जो एक पाकिस्तानी एक्टर हैं, उन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही पाकिस्तानी फिल्म में काम किया है और फिल्म का नाम है तीफा इन ट्रबल। 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसे IMDb पर 7% की रेटिंग मिली है। ये उस टाइम की सबसे महंगी पाकिस्तानी फिल्म थी जिसे करीब 33 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 50 करोड़ का कलेक्शन किया था, अपने यहाँ के हिसाब से करीब 18.5 करोड़। सब अंडर कंट्रोल है, बस एक छोटा सा मसला है कि कोई चीज कंट्रोल में नहीं आ रही। नंबर 4, पंजाब नहीं जाऊंगी। 2017 में रिलीज हुई ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे नदीम बैग ने डायरेक्ट किया है। नदीम बैग के बारे में जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि इन्होंने अभी तक 4 फिल्में डायरेक्ट की हैं और ये चारों फिल्में हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्मों में से एक है। पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म भी एक सुपरहिट फिल्म है जिसे IMDb पर 7% की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को 11.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 51.65 करोड़ का कलेक्शन किया है। इंडियन रुपीज में देखें तो इस फिल्म ने 19 करोड़ का कलेक्शन किया था। मोहब्बत में औरत से कोई जीता नहीं है और नफरत में औरत को कोई हरा नहीं सका। नंबर 3, लंदन नहीं जाऊंगा। पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म 2017 में आई थी और लंदन नहीं जाऊंगा फिल्म इस साल 2022 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को भी नदीम बैग ने ही डायरेक्ट किया है। दरअसल लंदन नहीं जाऊंगा जो फिल्म है वो पंजाब नहीं जाऊंगी की स्पिन ऑफ है। अब कहानी तो मुझे पता नहीं है लेकिन ये फिल्म उसी फिल्म की स्पिन ऑफ है और इस फिल्म में भी हुमायूं सईद और महवीस हयात लीड रोल में हैं। फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले थे जिसे IMDb पर 5.2 की रेटिंग मिली है। लंदन नहीं जाऊंगा फिल्म को 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में बनाया गया था, यानी कि इंडियन रुपीज में इस फिल्म ने करीब 21 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो अर्ज किया, जहाँ पर तुमको रखा था वहाँ पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता। नंबर 2, जवानी फिर नहीं आनी 2। ये सिक्वल फिल्म है और इस फिल्म को भी नदीम बैग ने ही डायरेक्ट किया है। जवानी फिर नहीं आनी 2015 में आई थी और उस टाइम इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की थी। 2018 में इसका सिक्वल आया और अभी इस साल तक ये फिल्म हाईएस्ट ग्राउजिंग पाकिस्तानी फिल्मों में नंबर 1 पर थी, लेकिन अभी ये फिल्म नंबर 2 पर है। जवानी फिर नहीं आनी 2 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को 13 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 73 करोड़ का कलेक्शन किया है। बजट को देखें तो फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है। 73 करोड़ को अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो इस फिल्म ने करीब 27.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। मम्मी जान कहती थी, कोई बंदा छोटा नहीं होता और जिसके दिल में प्यार हो उसे का खोटा नहीं होता। But of course, अम्मी जान didn't know Jack. नंबर 1, द लेजेंड ऑफ मौला जट। द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तानी सिनेमा की वो पहली फिल्म है जिसने 100 और 150 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। फिल्म ने बाहर के देशों में काफी अच्छा कलेक्शन किया है। खबरों की माने तो ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर ही इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें फवाद खान के साथ हमजा अली अब्बासी, माहिरा खान और हुमैमा मलिक अहम भूमिका में नजर आएंगी।
ये फिल्म 1979 में आई पाकिस्तानी क्लासिक फिल्म मौला जट की रिमेक है। तो इस फिल्म को करीब 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बनाया गया है और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 160 करोड़ का कलेक्शन किया है। इंडियन रुपीस के हिसाब से करीब 60 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो ये वो 5 पाकिस्तानी फिल्में हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है। आप क्या कहना चाहेंगे इन पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।